हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की हिंदी के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी वायरल प्रश्न को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके 2024 में होने वाले बोर्ड के एग्जाम में 100% फ्रेंड्स आने वाले सवाल हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में 70 में 70 आप आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने पहला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, कि रस मीमांसा के लेखक हैं। फ्रेंड्स, आपको जितने भी प्रश्न कराने वाले हैं, आपके पिछले साल के पेपर में ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स जरूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपके 2023 के बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। देखिए, पहला प्रश्न आपका है रस मीमांसा के लेखक हैं। देखिए, ऑप्शन है कि महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, आप इसका सही जवाब होगा कि रस मीमांसा के जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल है। इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है साहित्य और कला रचना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि जो साहित्य और कला, यहाँ पे क्या है आपका कला रचना है। ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, भगवत सरल उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो फ्रेंड्स, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा भगवत सरल उपाध्याय। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि साहित्य और कला जो रचना है भगवत सरल उपाध्याय की है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, देखिए क्या है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद्र, यशपाल, राजेंद्र यादव। देखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आपके 2023 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर का सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का चौथा नंबर का सवाल है कंकाल, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये प्रश्न है कि कंकाल के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा जो कंकाल है, कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है पांचवा नंबर का कि भारत दूरदशा किस विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन है एक जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या एकांकी है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि भारत दूरदशा जो है किस विधा की रचना है। भारत जो दूरदशा है एक एकांकी है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल छठवां नंबर का है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन है जैनेन्द्र हैं, यशपाल है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। देखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आपके 2023 के बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है सातवां नंबर का, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन है धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि लहरों के राजहंस के लेखक जो हैं आपके मोहन राकेश हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका अगला नंबर का सवाल है, अगला देखते हैं आठवां नंबर का कि हंस पत्रिका के संपादक है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि हंस जो पत्रिका है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला है या महादेवी वर्मा है। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं इन्हीं प्रश्नों में से छपने वाले हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और इसे याद रखने का प्रयास कीजिए। देखिए नौवां नंबर का सवाल फ्रेंड्स क्या है कि रीतिकालीन कवि है, यानी रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन है कि केदार भट्ट जी हैं, जायसी हैं, पद्माकर हैं या कृष्णदास हैं। तो फ्रेंड देखिए इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर है। ठीक है, कौन है? पद्माकर। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका दसवां नंबर का कि महादेवी वर्मा का कवित्री है, यानी महादेवी वर्मा कवित्री हैं। आपका ऑप्शन है प्रगतिवादी युग की हैं, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या प्रयोगवाद युग की। तो फ्रेंड देखिए इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि महादेवी वर्मा जो है छायावादी युग की कवित्री है। क्या है? छायावादी युग की। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, यह भी प्रश्न आपके 2023-2022 में ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्या है कि आंगन के पार द्वार रचना है? ठीक है, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी हैं, अज्ञेय हैं, रामधारी सिंह दिनकर या नरेंद्र शर्मा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो आंगन के पार द्वार, इसके जो रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी है। किसने लिखा था? तो अज्ञेय ने लिखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल फ्रेंड्स है आपका 12 नंबर का कि पीपर पात सरिस मंडोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, अब अलंकार क्या है? ये देखिए रूपक अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या अनुप्रास अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप इसको याद रखिएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार जो है आपके उपमा अलंकार है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स अभी तक आप अलंकार नहीं पढ़े हैं तो उसका भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अलंकार के बारे में, रस के बारे में, छंद के बारे में आप सभी को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर आप पढ़ लीजिए। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का 13वां नंबर का सवाल फ्रेंड्स है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? ये 2023 के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, 2023-2022 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट VBI प्रश्न है फ्रेंड्स। क्या है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 4 है, 2 है, 3 है, 1 है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को छंद भी पढ़ा चुके, उसमें बताए थे कि सोरठा और रोला होता है उसमें कितने चरण होते हैं। तो फ्रेंड्स कितने चरण होता है सोरठा में? तो 4 चरण। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, सॉरी दोस्तों ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स 14 नंबर का, देखिए क्या है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए फ्रेंड्स उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के प्रारंभ में यदि कोई आपका अक्षर जुड़ के या कोई शब्द जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग हमेशा वर्ग के जो शब्द होता है शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। कहाँ पे जुड़ता है फ्रेंड्स? प्रारंभ में आपका कोई शब्द जुड़ा है तो क्या होता है? उपसर्ग होता है। ये पर्यावरण में देखिए कौन सा शब्द जुड़ा है? आपका ऑप्शन है पर्या होगा, वरण होगा, परी होगा या प्र होगा। तो फ्रेंड देखिए पर्यावरण का आप संधि विच्छेद करते हैं तो परिधन आवरण होता है। क्या होता है? परिधन आवरण होता है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है? परिधन आवरण। तो यहाँ पे क्या होगा इसका सही जवाब? परी होगा। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का सवाल आपका है 15वां नंबर का, देखिए क्या है 15 नंबर का, प्रत्यय के भेद, ये भी देखिए 2023 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा या 2 होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कितने भेद हैं फ्रेंड्स? 2 भेद। इसको याद रखिएगा। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स 16वां नंबर का, देखिए क्या है कि सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए फ्रेंड्स प्रत्यय जो होता है जो शब्द दिया रहता है उसके अंत में लगता है। क्या होता है? अंत में कोई शब्द जुड़ा रहता है तो क्या होता है? उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए सनसनाहट में आप देखेंगे कौन सा प्रत्यय है? देखिए फ्रेंड्स सनसनाहट मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सन आहट। क्या होगा? आहट होगा। तो लास्ट में क्या जुड़ा है फ्रेंड्स? आहट जुड़ा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। तो सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? आपका आहट जुड़ा है। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है, समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो समास होता है फ्रेंड्स उसके कितने भेद होते हैं, 5, 3, 6, 4। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद। जैसे आप पढ़े होंगे अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, थोड़ी दोस्तों समास है ना, समास पढ़े होंगे द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, इस तरह पढ़े हैं। इसमें क्या होते हैं, 6 समास होते हैं। कितने समास, 6 समास होते हैं। ठीक है, अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स आपका 18वां नंबर का सवाल है, तिरंगा में कौन सा समास होता है। देखिए फ्रेंड्स आपको समास हुआ, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हुआ, अलंकार हुआ, ठीक है, देखते रहिए आप, अलंकार हुआ, इसके अलावा रस हुआ, इसके अलावा छंद हुआ, ये सब आप सभी को पढ़ा चुके हैं। ये आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा, समास पे, अलंकार पे, रस पे और छंद पे सब आपको पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। अब बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को करा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स तिरंगा में कौन सा समास है, आपका ऑप्शन है द्वंद होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा। देखिए फ्रेंड्स इस तिरंगा का मतलब होता है तीन रंगों का समूह जिसमें आपका क्या होता है, संख्या होता है ना, संख्या के जिसमें बोध होता है उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु होता है। कौन सा, द्विगु होता है। यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये द्विगु इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल 19 नंबर का, देखिए आप क्या है कि सूरज का तत्सम रूप होगा। देखिए फ्रेंड्स तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप। शुद्ध रूप का मतलब होता है जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है शब्द को, शुद्ध रूप होता है वो तत्सम कहलाता है। तो सूरज जो होता है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा यानी शुद्ध रूप क्या होगा, ऑप्शन सूर्य होगा, दिनकर होगा या सूरज होगा या प्रकाश होगा। देखिए फ्रेंड्स ये 2023 के पेपर में, 2018 के पेपर में ये सभी प्रश्न आपके रिपीट हो चुके हैं ना। यहाँ सूरज को फ्रेंड्स आप हमेशा क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, सूर्य। इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है 20वां नंबर का कि मछली का पर्यायवाची होता है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये भी पेपर आप 2023 का हल किए होंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, मछली का पर्यायवाची क्या होता है। अब यहाँ पे द्विज होगा, मीन होगा, रसना होगा या मूढ़ होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो मछली का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, आपका मीन होता है। क्या होता है, मीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 20वां का बी वाला। अगला नंबर का सवाल है आपका, देखिए फ्रेंड्स 21 नंबर का है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 3 होगा, 4, 2, 5। तो फ्रेंड देखिए जो संधि होता है आपका, आपका जो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होता है फ्रेंड्स, तो आप पढ़े होंगे स्वर संधि। कौन सा संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन, व्यंजक संधि। तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। कौन सा, विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपका स्वर हुआ, व्यंजक हो, विसर्ग, ये 3 संधियां होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला नंबर का सवाल है 22वां नंबर का कि इत्यादि में संधि है, यानी आपको बताना है कि इत्यादि में कौन सा संधि होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है यड़ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, आयादि संधि। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपका इत्यादि जो होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इति धन आदि होगा। क्या होगा, इति, ये देखिए इति है धन, आदि होगा। क्या होगा, आदि। इसमें कौन सी संधि हुआ आपका फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा कौन सा होता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, गुण संधि होता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा होगा, यड़ संधि होगा। कौन सा होगा, यड़ संधि होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका है 23वां नंबर का कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। यानी आपको बताना है कि जो फल होता है इसका तृतीय विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होता है। आपका ऑप्शन है फलम होगा, फले होगा, फलेन होगा या फले होगा। तो फ्रेंड देखिए इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, फले होगा। क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर 24 नंबर का सवाल है कि पठताम धातु का पुरुष और वचन बताना है। ठीक है, ऑप्शन है एक वचन प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, द्विवचन मध्यम पुरुष होगा, एक वचन उत्तम पुरुष होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि पठताम जो होता है उसमें प्रथम पुरुष होता है और द्विवचन है। कौन सा है,
पठती पठता पठम इस तरह पढ़े फ्रेंड्स ना, यही धातु का क्या है, ये आपका प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। चले फ्रेंड्स अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के लिए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं, इसी में से आपके 2024 के बोर्ड की एग्जाम में मैक्सिमम सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।